22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले इस पूरे मुद्दे पर सियासत लगातार हो रही है, राम मंदिर पर सियासत जमकर हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता स्वीकार कर लिया है और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 22 जनवरी को सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस का कोई भी नेता अयोध्या नहीं आएगा। इसके साथ ही कांग्रेस और राम मंदिर के कार्यक्रम को बीजेपी और संघ का कार्यक्रम भी बताया गया और बीजेपी पर चुनावी एजेंडे के तहत मंदिर का उद्घाटन करने का आरोप लगाया। That is very much true. It is actually they make it as an election campaign. That is very much true. It is actually they make it as an election campaign. का काम है तो कई नेता कांग्रेस के अंदर ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं जाना चाहिए था। हम ये कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से कांग्रेस दोपहर नजर आती है इस मुद्दे पर। कांग्रेस के नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि ये गलत है। कांग्रेस नेता अर्जुन मोटवाडिया ने पार्टी फैसले पर सवाल खड़े कर दिए, ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि भगवान श्री राम आराध्य देव हैं, ये देशवासियों की आस्था का विषय और कांग्रेस पार्टी को ऐसे राजनीतिक फैसले से दूर रहना चाहिए था। एक पार्टी दो सुर, गांधी परिवार कहता है हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये बीजेपी का एक कार्यक्रम की तरह लगता है, ये एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, ये राजनीतिक कार्यक्रम है। उधर अर्जुन मोटवाडिया कहते हैं कि नहीं नहीं ये धार्मिक कार्यक्रम है, आपको जाना चाहिए था, ये फैसला आपका गलत है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस अपने घर में गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दें बीजेपी भी लगातार हमलावर है। यूपी सरकार में मंत्री जितेन प्रसाद ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता चुकराने पर कांग्रेस पर सीधे तौर पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया है कि कांग्रेस प्रभु राम से ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों से भी दूर हो गई है। तो देखिए कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी मंत्री 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगा, जिसके बाद अब देखिए कि किस तरीके से सियासत इस पूरे मुद्दे पर हो रही है। बीजेपी हमलावर है। जितेन प्रसाद की तरफ से यह ट्वीट किया गया है, प्रभु राम से ही नहीं कांग्रेस पार्टी अब लोगों के दिलों से भी दूर हो गई है। तो लगातार आपको बता दें निमंत्रण और न्योते को लेकर विपक्ष के यानी कि इंडी गठबंधन के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि हम 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, ये आरएसएस का एजेंडा है, ये बीजेपी का एजेंडा है, ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये साफ तौर पर राजनीतिक कार्यक्रम है, जिसके बाद अब बीजेपी की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। सियासत की बात हो गई, लेकिन अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जब देश भर में किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। राम मंदिर बन रहा है तो सब चाहते हैं कि छोटी छोटी दान हम भी दे दें या हम भी थोड़ा सा उपहार राम के लिए भिजवाएं। इसी कड़ी में राम मंदिर में स्थापित होने वाला घंटा जो है वो राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसकी पुष्टि की है। ये घंटा अष्ट धातु से बना है जो मैनपुरी के जलेसर में बनाया गया और इसका वजन 2100 किलो का है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं मैनपुरी का जलेसर घंटा बनाने के लिए विश्व प्रख्यात है और वहीं पर ये 2100 किलो का घंटा तैयार किया गया। आज से 2 साल पहले से ये घंटा तैयार हो रहा है और ये सभी घंटे बनकर जब तैयार हुए हैं तो उन्हें जो है मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने आरएसएस प्रमुख को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलने के बाद उन्होंने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि मैं इस भव्य आयोजन का गवाह बन सकूंगा। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आपको बता दें कि जो 5 लोग गर्भगृह के अंदर मौजूद रहने वाले हैं जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा होगी और रामलला की मूर्ति से पट्टी हटाई जाएगी, उस वक्त मोहन भागवत भी एक शख्स हैं जो गर्भगृह में मौजूद रहने वाले हैं और उनको भी निमंत्रण दे दिया गया है। उन्होंने अपने इस निमंत्रण पर अपने भाव प्रकट करते हुए कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि मैं उस वक्त वहां मौजूद रहूंगा। वहां पर उपस्थित रहेंगे, उस प्रसंग को देखेंगे, उसमें सहयोगी बनेंगे, ये तो हमको लगता है कि कहीं किसी जन्म में कोई पुण्य हुआ होगा उसी का फल हमको मिल रहा है। इसलिए आपका मैं बहुत कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद करता हूँ। ये तो मांग के भी न मिलने वाला अवसर है, वो मिला है तो जरूर उसमें रहूंगा।
इस बीच आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे और वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में समारोह में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। आलोक कुमार ने कहा है कि उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की थी और उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, जिसके बाद लालकृष्ण आडवाणी ने भी अयोध्या में 22 जनवरी को जाने की सहमति दे दी है। आलोक कुमार ने कहा कि जब तक वो अयोध्या में रहेंगे उन्हें हर तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। इससे पहले आपको बता दें क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से लालकृष्ण आडवाणी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने के लगातार कयास लगाए जा रहे थे। वे आएंगे जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह श्री कृष्ण गोपाल जी और श्री रामलाल जी और मैं उनको निमंत्रण देने गए तो चर्चा शुरू हुई लॉजिस्टिक्स की। उनको जाना है तो क्या क्या व्यवस्था चाहिए, वो कितनी देर बैठ सकेंगे, क्या कोई डॉक्टर उपलब्ध रहेगा, क्या उनके साथ में कोई व्यक्ति उनके पूरे समय के लिए रहेगा। और फिर इस सब चर्चा के दौरान श्री कृष्ण गोपाल जी ने आश्वस्त किया उनके परिवार को कि श्री लालकृष्ण आडवाणी का कार्यक्रम में आना महत्वपूर्ण है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी उन नेताओं में शुमार है जो राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे थे। लालकृष्ण आडवाणी ने ही बीएचपी के मंदिर आंदोलन को राजनीतिक मुद्दा बनाया था। राम मंदिर आंदोलन के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा भी निकाली थी। राम मंदिर आंदोलन को राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बनाने में लालकृष्ण आडवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और विवादित ढांचा विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी आपको बता दें जब आंदोलन का हिस्सा थे तो उनको आरोपी भी बनाया गया था। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिवाली उत्सव शुरू हो गया। वहां छावनी मंदिर को दीयों से सजाया जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाला प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक वहां लगातार दिए जलाए जाएंगे और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में दिए जलाकर वहां दीपावली मनाई जा रही है। इसके लिए अयोध्या के छावनी मंदिर को दीयों से रोशन कर दिया गया। वहां मंदिर परिसर दीयों से जगमग नजर आया। छावनी मंदिर परिसर में दीयों से सजाकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया गया। पूरे मंदिर को यहाँ पर दीप से सजाया गया है। उसकी अगर पंक्तियां हैं, पूरी पंक्तियां यहाँ पर मंदिर में आपको दिखेंगी और ये प्रसिद्ध मंदिर है अयोध्या का। अयोध्या में इस उत्सव के लिए बड़ी संख्या में साधु संत छावनी मंदिर पहुंचे और उन्होंने दिए जलाकर वहां दीपावली उत्सव की शुरुआत की। प्रत्येक दिन दिवाली मनाई जाएगी, प्रत्येक दिन जो है तो राम जी के चरित्रों का पाठ होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक वहां दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। इसके साथ ही वेदों का पाठ भी किया जाएगा। इस उत्सव को और भव्य बनाने के लिए 19 जनवरी को वहां 10,000 लीटर तेल का एक बड़ा दिया भी जलाया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्रय स्थल बना दिए। इन टेंटों में अयोध्या आने वाले लोगों के रुकने की व्यवस्था की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का अनुमान है कि राम मंदिर के दर्शन करने के लिए वहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे और उन्हें रहने या रुकने में कोई तकलीफ न हो, इसके लिए योगी सरकार ने वहां पंचवटी आश्रय स्थल तैयार किया। इस टेंट में एक साथ 2,500 लोग रुक सकेंगे। जाई, कंबल, गद्दा और चद्दर और ये सारी चीजें यहां पर मिलेंगी। योगी सरकार के मुताबिक अयोध्या आने वाले लोगों को यहां रुकने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। मतलब यहां रुकने में उनका कोई पैसा नहीं लगेगा, बल्कि इसके लिए उन्हें सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वो अगले 48 घंटे तक इस पंचवटी आश्रय में आराम से रुक सकेंगे। लोग रुक सकते हैं यहां पे आके, सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा। पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इसके अलावा बिजली के तारों और पानी के पाइपों को जमीन के अंदर रखा गया ताकि वहां किसी तरह का कोई हादसा न हो पाए। फिलहाल यूपी सरकार की योजना इसे 2 महीने तक चलाने की है, लेकिन अगर वहां सैलानियों की तादाद बढ़ी तो इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है।
तो राम काज करने को सभी आतुर हैं और जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, सभी राम के लिए उपहार स्वरूप भिजवा रहे हैं चीजों को। और इसी कड़ी में अहमदाबाद से एक विशेष नगाड़ा अयोध्या पहुंच चुका है। जो नगाड़ा अयोध्या पहुंचा है उनमें से एक का वजन 500 किलो है और दूसरे का वजन 800 किलो है। इन नगाड़ों को एक विशेष रथ के जरिए अहमदाबाद से अयोध्या लाया गया है। तो हमने लोगों ने सोचा कि हम एक चार द्वार में चार नगाड़ा भेजे, तो हमें एक बड़ा विशाल नगाड़ा की हमने चंपत राय से बात हुई और उन्होंने हमको बोला कि एक ही अभी रखेंगे। तो हमारे समाज की ओर से अभी एक ही भव्य नगाड़ा अखिल भारतीय डबका समाज की ओर से बना हुआ है। इसके अंदर ये पित्तल की पूरी प्लेट है, लोखंड के ऊपर पित्तल चढ़ाया गया है और ये 800 kg का पूरा बना हुआ है नगाड़ा और उसमें गिलेट करा हुआ है सोने चांदी का, ग्लेट करके उसे CNC काम करा हुआ है पूरा। तो पूरे देश से सौगातें पहुंच रही हैं। आपको बता दें 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उससे पहले अयोध्या में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है, वहीं मंदिर में स्थापित होने वाले सामान भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। मंदिर में स्थापित होने वाला 2100 किलो का अष्ट धातु से बना घंटा मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं मंदिर में सोने का पहला दरवाजा भी लगाया गया है। ऐसे 13 दरवाजे यहाँ पर लगने हैं और इस तरह के कई दरवाजे भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। वही अहमदाबाद से एक विशेष नगाड़ा भी अयोध्या पहुंच चुका है। तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद से ये विशेष नगाड़ा अयोध्या पहुंच चुका है। तो देखिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा है कि पूरे देश में राममय माहौल बना हुआ है। 500 साल की प्रतिज्ञा पूरा होने पर पूरे देश में उत्सव का माहौल। राम सबके हैं और सब राम के हैं। राममय माहौल पूरे भारत में हुआ है और भारतवासियों के 500 वर्षों के प्रतिज्ञा संकल्प, उनके बलिदान, उन सब का आज ये वो समय आया है जब पूरे भारतवासियों में उत्साह, उमंग, ये सब ऐसा है कि मानो इस साल तो 3 दिवालियां होंगी। एक 22 जनवरी को होगी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी भव्य राम मंदिर का निर्माण होने पर, दूसरी और जब तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, तीसरी जब दिवाली आएगी तब फिर धूम मचेगी।